नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शूट आउट में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। कहते हैं जुर्म का कोई चेहरा नहीं होता, जालिम की कोई जात नहीं होती और दर्द का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन जब अपराध जब पनपता है तो उसके कई रूप बनते हैं। शूट आउट में कहानी आज ऐसे शख्स की जिस नाम से ही यूपी के बड़े बड़े सूरमाओं की हेकड़ी निकल जाती थी। उम्र उसकी भले ही कम थी, लेकिन जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा कैसे कायम करना है ये वो अच्छी तरीके से जानता था। आखिर कौन था वो शख्स, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खून में लथपथ पुलिस वाले, गोलियों की आवाज, पुलिस के आने से पहले गुंडे हथियारों से लैस, पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर अपराधियों का भाग जाना। ये ना गैंग्स ऑफ वासेपुर ना मिर्जापुर वेब सीरीज का सीन नहीं है, ये 90 के दशक में यूपी के कैसे कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है, जिसके नाम से यूपी के सियासी नुमाइंदे भी थर थर कांपते थे। वो दौर था 90 के दशक का, जब अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए एक नाम सामने आया। वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। 90 के दशक की शुरुआत यूपी में एक ऐसी घटना से हुई जिसने सियासत की तस्वीर ही बदल दी। एक और बाबरी कांड के बाद अयोध्या में दंगा फसाद चल रहा था। बीजेपी के कल्याण सिंह कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर अपनी छवि बना चुके थे। इसी बीच अयोध्या से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद गोरखपुर में गांव के साधारण शिक्षक के बेटे ने अपनी बहन से छेड़छाड़ करने वाले शहदे को पल भर में ढेर कर दिया। यहीं से पैदा हुआ 90 के दशक का वो सिरफिरा हत्यारा जो कल्याण सिंह के नाम की सुपारी लेने के बाद मारा गया। हम जिस कुख्यात शार्प शूटर की आपको कहानी सुना रहे हैं, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। गोरखपुर के मामखोर में पिता शिक्षक थे। श्री प्रकाश देखने में अच्छा तगड़ा था, तो उसे पहलवानी की ट्रेनिंग दी गई थी। सब कुछ ठीक ठाक था। इसी बीच साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को राकेश तिवारी नाम के लड़के ने सरे बाजार छेड़ दिया। उसी दिन श्री प्रकाश के अंदर का अपराधी जागा और 20 साल के श्री प्रकाश ने तुरंत राकेश तिवारी की हत्या कर दी। सजा से बचने के लिए श्री प्रकाश बैंकॉक भाग गया, लेकिन जब वापस लौटा तो वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। उस दौर में एक बात ये भी थी कि बिहार में मोकामा में सूरजबान ने श्री प्रकाश का खूब इस्तेमाल किया। 20 से 25 साल का होते होते श्री प्रकाश करीब 20 हत्याएं कर चुका था। वो यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक गैर कानूनी धंधे करने लगा। पैसे के पीछे बेतहाशा भागता हुआ श्री प्रकाश ने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स, लॉटरी और सुपारी किलिंग के जरिए खूब पैसा कमाया। अपराधी और दबंग श्री प्रकाश एक आला दर्जे का अय्याश भी था। आखिरकार अय्याशी के इसी अंदाज ने उसे मौत के घाट भी उतरवाया था। पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। महंगे होटल, महंगी गाड़ियां, महंगी कॉल गर्ल्स और ढेर सारे सोने चांदी के गहने। श्री प्रकाश एकदम फिल्मी डॉन जैसे अंदाज रखता था। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में वीरेंद्र शाही का नाम का सिक्का चलता था, लेकिन इस कुख्यात श्री प्रकाश ने 1997 में शाही को राजधानी लखनऊ में गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड ने उसे यूपी के माफियाओं में शुमार कर दिया और श्री प्रकाश की ख्वाहिशें बढ़ने लगी। उसने जल्द ही अपनी हिटलिस्ट में तत्कालीन मंत्री हरिशंकर तिवारी को रखा। श्री प्रकाश शुक्ला राजनीति में आना चाहता था, लेकिन उसकी सनक ने महज 25 साल की उम्र में उसकी कहानी और आतंकी दोनों का खात्मा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब भी अपराध की चर्चा होगी तो उस रंगवाज का जिक्र जरूर आएगा। हरिशंकर तिवारी उस वक्त चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक थे। ऐसा माना जाता है कि 15 साल से हरिशंकर तिवारी की सीट पर श्री प्रकाश की नजर थी। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभा द्विवेदी, अमर मीणा त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, मार्कडे चंद, जन नारायण तिवारी, सुंदर सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ला, जितेंद्र कुमार जायसवाल और आरके चौधरी, मदन सिंह, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा शुक्ला जैसे नेताओं से उसके रिश्ते थे। उस जमाने में उसके पास महंगे फोन थे और हर रोज हजारों का खर्चा। श्री प्रकाश की उम्र छोटी थी, तो ऐसे में वो जानता था कि जरायम की दुनिया में अगर अपना नाम बनाना है, दहशत कायम करनी है, तो
बड़े से बड़े माफिया को मारने में समय नहीं लेना है। श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद के हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना में इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया था। उस वक्त शातिर अंदाज में श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लालबत्ती कार में आया और AK-47 राइफल से हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि ये कत्ल श्री प्रकाश शुक्ला ने रेलवे के ठेके पर अपनी बादशाहत साबित करने के लिए किया था। शहर में छोटे मोटे गुंडे को तो 25 साल का ये सुपारी किलर सरे बाजार ही मौत के घाट उतार दिया करता था। श्री प्रकाश शुक्ला की हरकतें पुलिस और सरकार के लिए लगातार सिरदर्द बन रही थी। ऐसे में उसके खात्मे का मन बनाकर एक स्पेशल टास्क फोर्स की तैयारी की गई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADJ अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 पुलिस वाले इकट्ठे किए और इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। यूपी पुलिस जान चुकी थी श्री प्रकाश शुक्ला बेखौफ अपराधी है, लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उसने सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 6 करोड़ में ले ली। गोरखपुर के नौसिखिए शार्प शूटर का ये सुसाइड स्टेप था। अब STF उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। कहते हैं कि जर जोरू और जमीन कुछ इंसानों की कमजोरी होती है। श्री प्रकाश शुक्ला भी एक ऐसा ही इंसान था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश उससे अक्सर बात किया करता था। STF को जब इस बात की जानकारी हुई तो STF ने उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी सर्वेलांस पर लगवा दिया। श्री प्रकाश गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए PCO से कॉल करता था, जिससे सितंबर 1998 को STF को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एनक्लेव पार करती है, STF टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि STF उसका पीछा कर रही है। तेज रफ्तार कारों के शौकीन श्री प्रकाश की गाड़ी जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, STF की टीम ने उसे ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने अपने साहस का परिचय देते हुए 23 सितंबर 1998 को दोपहर करीब 2:15 बजे यूपी की कुख्यात सुपारी किलर का काम तमाम कर दिया। फिलहाल शूट आउट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।